हेलो राघव, मेरी आवाज आ रही है आपको? राघव, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो अजमत, ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया आप लोगों ने, जल्दी ज्वाइन हो जाओ, क्लास स्टार्ट हो रही है। इन्फॉर्म कर दिया ग्रुप में आप लोगों ने। मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है? ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया आप लोगों ने? कर दो ग्रुप में। हेलो राघव, अपन लोग क्या कर रहे थे कल? कल क्लास में कुछ कर अच्छा, ये रिकॉर्डिंग कल की मैं अभी डाल दूँ क्या? दीजिए, क्या? चैट पे डाल दीजिए। ओके ओके, एक सेकंड। मिल गई चैट की रिकॉर्डिंग कल की, सॉरी क्लास की। हेलो, रिकॉर्डिंग मिल गई आप लोगों को? आवाज मेरी आ रही है आप लोगों को? कल की रिकॉर्डिंग मिल गई? हेलो, तो अपन स्टार्ट करें फिर? एक बार पूछ तो, कोई आने वाला है? हेलो, तो 4 मिनट और देते हैं। 2 4 मिनट और देखिए। कल अजमत क्या हुआ था आप बता सकते हो क्लास में? कल हम लोगों ने कल क्या करा? सिक्योर डिसिक्योरिटाइजेशन, सिक्योर डिसिक्योरिटाइजेशन, आप लोगों ने लैब किए उसके? हेलो हेलो, आज हम लोग पढ़ेंगे वेब कैश पॉइजनिंग, ठीक है? राघव, आपकी कौन कौन टॉपिक छूट गई है क्लास में? कल वाला ही छुपा है। ओके,
इनसिक्योर डी सी डीलाइजेशन की रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कर दी गई है, आप उससे मतलब देखकर आप कर लेना। आज अपन नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वेब कैश प्राइजनिंग। क्लियर है? हेलो, क्या बोला, किसी ने रिप्लाई दिया? ठीक है सर, बजा दी। हेलो, अरे दो स्टूडेंट्स है, टॉपिक बहुत एडवांस है, मैं अभी स्टार्ट नहीं कराना चाह रहा। किसी का रिप्लाई तो नहीं आया ग्रुप में? किसी का अभी तक रिप्लाई नहीं आया, तो किया जाए स्टार्ट? ठीक है, क्या बोलते हो आप लोग, या एक बार फिर से पिंग कर दो, वेब कैश पॉइजनिंग इज स्टार्टिंग, ग्रुप में डाल दो। ग्रुप में एक बार डाल दो। हेलो आजम। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे वेब कैश पॉइजनिंग, ठीक है? वेब कैश पॉइजनिंग, वेब कैश पॉइजनिंग, ग्रुप में डाल दो जल्दी। हो गए सर? क्या कल इनसिक्योरिटी सीरियलाइजेशन बेसिक थ्योरी हो गई, उसकी कुछ थ्योरी जैसे गैजेट चेनिंग ये सब बची हुई है, लेकिन अपने बहुत ना एडवांस टॉपिक है। कौन जो बताया था कल इनसिक्योरिटी सीरियलाइजेशन? हेलो, यस सर। देखो 30 तारीख तक अपने को बैच खत्म करने का, तो मैं चाहता हूँ टॉपिक कवर करा दूँ, और एडवांस पार्ट के लिए आप जैसे जैसे करोगे मैं क्लास लगा दिया करूंगा, ठीक है? मैं बोलना एडवांस टॉपिक है, मतलब दिक्कत तो नहीं है, बेसिकली कर ले बहुत है ना। अरे बहुत आसान है, कोई एडवांस नहीं। एडवांस आपको कैश पॉइजनिंग लग सकता है, इनसिक्योर डी सीरियलाइजेशन नहीं। हेलो, तो शायद अपनी वेब कैश पॉइजनिंग लास्ट टॉपिक रहेगी, क्योंकि 2 दिन के बाद फिर ये बैच ओवर हो जाएगी। और आपके जो जो लैब्स या टॉपिक्स छूटे हुए हैं, आप उनकी आज लिस्ट बनाकर मुझे दे देना व्हाट्सएप पे, मैं उसके लिए आपके अकॉर्डिंगली, मैं अपने जैसे जैसे मेरी क्लास फ्री रहेगी मैं आप लोगों की क्लास लगा दिया करूंगा, ग्रुप में मैं बोल दूंगा इतने बजे क्लास है। क्लियर है? कोई डाउट आप तीनों को? अजमत कहाँ है? अजमत, हेलो। हेलो, हाँ बोलो। हेलो भाई, लिस्ट बना दो सर को, कर देना है ना। ऐसी बताओ आप लोग जनरली, राघव आप भी बताओ कि किस किस टॉपिक आपको छूटी हुई है जिसे आपको करना है बाद में। हेलो, यस हेलो, हाँ, किस किस टॉपिक के बारे में आप और पढ़ना चाहते हो? जेडब्ल्यूटी टोकन 1, दूसरा अकाउंट टेक ओवर। क्लास है क्या? हेलो, अच्छा थोड़ा बहुत ये भी बता देना, एक्सेसेस और एसक्यूएल बता ही देना। एक्सेसेस और एसक्यूएल बता दूंगा, और देखो मेरे पास उतना टाइम रहेगा नहीं, मतलब वीक में कभी एक बार क्लास में ले लिया करूंगा आपकी। तो टॉपिक आपको ऐसे ही चाहिए जिसमें आप नहीं खुद से कर सकते, क्योंकि देखो मेरे पास टाइम नहीं, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए टाइम निकाल रहा हूँ। तो जैसे आपने JWT बोला, मैंने बोला बिल्कुल आपको करा दूंगा मैं, ठीक है? तो ऐसे टॉपिक चुनो, लिस्ट बना देता हूँ, ठीक है? हाँ लिस्ट बना दो तुम, जो 3-4 टॉपिक ही देना, उसी में पूरा 2-3 महीने। हेलो, यस सर। और राघव आपने अपना कुछ ये नहीं दिया, आपको क्या पढ़ना हो? JWT करा दीजिएगा। JWT करा दूंगा, वेरी गुड। और सर मैं कवर कर लूंगा, कुछ प्रॉब्लम आते हैं। हाँ कवर कर लेना आप, ऐसे डाउट कभी भी आए आप बोल देना, मैं एक्स्ट्रा क्लास आप लोगों की ले लूंगा, ठीक है? स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है? देखते हैं,
वेब कैश पॉइजनिंग से आप क्या समझते हो, या कैश सर्वर क्या होता है? कुकीज जमा हो जाती है एक सर्वर। कैश सर्वर का काम क्या है ये बताओ पहले। कैश सर्वर का काम तो यही है ना सर, कुछ भी चीज हम सर्फिंग करते हैं तो हमारा कुछ डेटा सेव हो जाती है कैश में जिस तरह। क्या कुकीज कैश जमा हो जाती है ना सर्वर? नहीं नहीं बिल्कुल गलत, आपकी पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। मैं बताता हूँ, देखो सपोज करो ये एक सर्वर है, ये इंटरनल सर्वर है, ठीक है। अब क्या होता है, एक समझ लो ये कैश सर्वर है, थोड़ा बड़ा रहता है ये, है ना। कैश सर्वर का जो रिक्वायरमेंट या नीड, जरूरत क्यों पड़ी, इसको मैं बता रहा हूं आप लोगों को। अब देखते हैं अपन कि कोई भी यूजर इस सर्वर पे हर बार रिक्वेस्ट सेम भेजे और उसको हर बार ये रिस्पॉन्स सेम रिस्पॉन्स दे, है ना, ये इतना आसान नहीं है इस सर्वर के लिए। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये सर्वर खराब हो जाएगा या फिर डिनाइल ऑफ सर्विस में चला जाएगा। तो बेसिकली कैश सर्वर का जो काम है कि जब एक यूजर, सुन रहे हो ना आप लोग, हेलो, एक रिक्वेस्ट भेजता है, ये रिक्वेस्ट यहाँ जाती है, यहां से इस रिक्वेस्ट के लिए एक रिस्पॉन्स बनता है और रिस्पॉन्स इसको मिल जाता है। बट यहाँ पे एक और चीज होती है, वो क्या, वो रिस्पॉन्स की एक कॉपी जो होती है, कॉपी उस रिस्पॉन्स की वो कैश सर्वर स्टोर कर लेता है। कोई दूसरा यूजर आया, ठीक है, वो सेम रिक्वेस्ट, ये वाली जो रिक्वेस्ट है सेम रिक्वेस्ट इस सर्वर पे करता है। उस सर्वर क्या करता है, उस रिक्वेस्ट के साथ में एक कैश की देखता है, कुछ चीजें लिंक्ड की रहती है उस कैश की में, जो देखकर वो इस यूजर को ये वाली रिस्पॉन्स पकड़ा देता है फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम LPT, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये कैश में ये रिस्पॉन्स रहती है, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाती है, फिर कोई दूसरा यूजर। तो इससे क्या होता है, इस सर्वर पे ओवरऑल लोड बन कम हो जाता है। मतलब समझ लो कि ये इस जगह ये वाले रिस्पॉन्स अगर एक घंटे के लिए है, 3600 सेकेंड के लिए है, तो 3600 सेकेंड के लिए इस पे कोई रिक्वेस्ट नहीं आएगी। अगर ये वाली रिक्वेस्ट, जैसी कोई भी रिक्वेस्ट इस पे जा रही है जिसका रिस्पॉन्स ये होगा, तो एक घंटे के लिए इस सर्वर के पास कोई लोड नहीं रहा। तो इसी तरह अपन क्या करते हैं कि लोड बैलेंस करते हैं, और इस सर्वर का दूसरा नाम कैश सर्वर होता है या फिर लोड बैलेंसर होता है। क्या होता है? हाँ सर, लोड बैलेंसर नाम सुना है मैंने। यही होता है लोड बैलेंसर। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? इसका काम यही होता है। क्या बोला मैंने, आप समझा सकते हो? कोई एक बंदा बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो कंडीशन, मतलब टॉस कंडीशन या कोई भी ऐसा कंडीशन जिस वक्त सर्वर मतलब अनअवेलेबल और रिस्पॉन्सिबल ना हो, तो जो सेकंड सर्वर होती है उसमें से हम कुछ भी मतलब कर सकते हैं, मतलब मीन कि हम डाटा से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अरे बेसिकली ये हुआ कि इसकी रिस्पॉन्स जो होती है ना, उसकी कॉपी देकर ये प्रोसेस को मैंने इस सर्वर के लोड को घटा दिया। अब कैश पॉइजनिंग में क्या होता है कि एक मलिशियस अटैकर रहता है, ये एक मलिशियस हैकर है, ठीक है। ये क्या करता है, देखो वेब कैश पॉइजनिंग दो स्टेप में होता है। पहला स्टेप, आपको एक रिस्पॉन्स बैक एंड से लेने का है। क्या लेने का है? यहां से एक रिस्पॉन्स आपके पास आएगा बेसिकली यही से, लेकिन मैं इसको दो स्टेप में, पहले क्या करने का है आपको, एक मलिशियस रिस्पॉन्स कहां लेने का है, बैक एंड सर्वर से। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? फिर वही अटैकर जो रहेगा वो क्या करेगा कि ये बैक एंड में एक मलिशियस रिक्वेस्ट भेजेगा जिसका रिस्पॉन्स भी मलिशियस आएगा। वो मलिशियस रिस्पॉन्स को दूसरी स्टेप में यहाँ कैश करना है। जब क्या होगा, जब कैश हो जाएगा तो ये दूसरे यूजर्स के पास भी कैश रिस्पॉन्स चला जाएगा। तो कैश पॉइजनिंग, अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका? कॉन्सेप्ट क्लियर है सर? जहर फैला दिया क्या?
चाहे पॉइजनिंग एक तरह से उसमें जो लोड बैलेंसर है हाँ आपने पॉइजन डाल दिया और हाँ, पॉइजन सब में फैल गया। हाँ तो इसका बेसिकली अपन देखते हैं यहाँ कि इसमें एक चीज आया पार्ट कुकी मतलब कैश्ड की। कैश्ड की क्या होता है अपन देखते हैं। कैश की क्या होता है कैश की क्या होता है ये देखो। ये हुआ कैश की प्रोटोकॉल मेथड होस्ट पाथ की वैल्यू। प्रोटोकॉल आपका HTTP या HTTPS मेथड गेट या पोस्ट सम वेबसाइट आपका होस्ट हो जाएगा। पाथ जो होगा सपोज करो ये एक पाथ हो गया API हेल्प और पैरामीटर क्या है इसमें लैंग्वेज इंग्लिश ठीक है। तो ये क्या है कैश की है। अगर ऐसी रिक्वेस्ट अगर कभी भी वेबसाइट को दिखती है तो उसकी कॉपी में भी ऐसी ही रिस्पॉन्स वो दे देगा जो इसके प्रीवियस यूजर को दिया। विच आर सेव्ड इन कैश की आर नोन एज कीड इनपुट एंड अदर आर नोन एज अनकीड इनपुट्स। अनकीड इनपुट्स आर फॉर एग्जांपल अनकीड इनपुट्स क्या हो जाएंगे आपके क्या है रिपीट करो टोकन हो गया फिर रेफर और HTTP हेडर हो गया यूजर एजेंट हो गया। क्लियर है हेलो yes, yes, आपको कैश की समझ में आई इसे लिख लो आप लोग अभी नोट कर लो। समझ में आ गया कैश की क्या होता है कोई डाउट आप लोगों को। हेलो क्लियर है अब आते हैं अपन कैश पॉइजनिंग पे। लिख लिया आप लोगों ने वो ये लिख लिया आप लोगों ने। हेलो सर स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपन। कैश पॉइजनिंग क्या होता है पढ़ो कोई एक आदमी। पढ़ो कोई अरे इंतजार क्या कर रहे हो एक आदमी पढ़ो ना। दिस इज अ टाइप ऑफ अटैक ऑन वेब सर्वर वेयर एन अटैकर एक्सप्लॉइट्स द कैश सर्वर the website which eventually makes the cache server send copies of malicious HTTP response to the victim user. क्या बोला इसने कि अपन जो है क्या करते हैं एक्सप्लॉइट करते हैं कैश सर्वर को वेबसाइट की कैश सर्वर को एक्सप्लॉइट करते हैं है ना। और क्या होता है वेब सर्वर जो कैश सर्वर रहता है वो मलिशियस कॉपीज अपने यूजर्स को भेजने लगता है। ये हो गया ये वेब कैश पॉइजनिंग अटैक। अब देखते हैं ये अटैक दो स्टेप में आता है। पहला स्टेप क्या है हाउ टू इश्यू अ मलिशियस रिस्पॉन्स फ्रॉम बैक एंड टू कैश सर्वर। क्लियर है हेलो यस हेलो यस क्लियर ठीक है। हाउ टू इश्यू अ मलिशियस रिस्पॉन्स फ्रॉम बैक एंड टू कैश सर्वर। जैसा मैंने आपको बताया पहले अटैकर को क्या करना होगा एक रिस्पॉन्स लेना पड़ेगा अपने पास ठीक है। बैक एंड सर्वर से एक रिस्पॉन्स लेगा उसके बाद क्या करेगा ये पॉइजनिंग कर सारे यूजर्स को ये भेज देगा। क्लियर है फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। दूसरा है The response must get to the user via poisoned cache. क्या बोला मैंने response कहाँ जाएगा poisoning cache के पास। हाँ क्लियर हो गया। The result of the cache poisoning can be massive, like mass excesses attack on users. Cache poisoning से basically सबसे बड़ा attack जो होता है वो excesses attack के थ्रू होता है। Let's see how
लेट्स सी हाउ ए वेब कैश पॉइजनिंग सिस्टम वर्क क्या है व्हाट्स द जेन्युइन रीजन टू यूज अ कैशिंग सिस्टम क्या है पढ़ो तो आप अजमत This is impossible a server to respond to all users separately. Example, every single HTTP request to each users. Clear है? हर किसी को वो response नहीं भेज सकता है. तो basically अपन क्या कर रहे हैं? Single HTTP request भेजेगा सभी. Cache server बैठा रहे हैं कि जो जो similar request है उसको similar response दे दिया जाए. एक बार में बार बार ऐसा नहीं हो. ठीक है? So cache servers are the are for the above purpose ठीक है अब नोट क्या दिया मैंने for a defined period of time cache server serves the copy of the same request मतलब वो permanently आपको एक ही request का response नहीं देता रहेगा कुछ time के बाद वो cache key या cached response expired कर जाता है cache keys to serve the cached response web server first match the request For the response with the help of cache keys. अब cache की जो मैंने आपको यहाँ बताया, cache की हर request को वो ऐसे देखता है कि क्या अगर API help what language is equal to English. अगर ये जो है, अगर उसे cache की में दिख जाए, ठीक है? Hello. तो वो दो यूजर को अगर सेम रहेगा request तो देगा. अब मैं एक और से conceptual चीज पूछता हूँ. दो request मैं लिखता हूँ. देख रहे हो आप लोग सारे हेलो यस सर यस सर दो रिक्वेस्ट होम पेज पे है पोस्ट ठीक है कुछ कुछ हेडर्स होंगे यहाँ पे क्लियर है अब बताओ कि ये रिक्वेस्ट और ये रिक्वेस्ट में क्या अंतर है इन दोनों रिक्वेस्ट में क्या डिफरेंस है कोई बता सकता है ये बेसिकली जो फॉरवर्ड कर रहा है एडमिन पैनल के पास गेट गेट का जो रिक्वेस्ट है ना वो फर्स्ट वाली वो सेकंड वाली क्या? जो फर्स्ट वाली जो गेट की अरे नहीं है? इन दोनों में सेम रिस्पांस सर्व होगा या अलग रिस्पांस सेम कैश सर्वर से रिस्पांस आएगा या अलग अलग आएगा ना क्यों अलग आएगा ये कैश की दोनों की सेम होगी या अलग अलग होगी बताओ ये तो सेम है सर कैश की दोनों की सेम बनेगी या नहीं दोनों यूजर होम पेज पे उस वेबसाइट के विजिट कर रहे हैं इसमें एक HTTP हेडर एडिशनल ऐड किया गया जो इसमें नहीं है बट वो HTTP हेडर कहीं भी इस कैश की में लिंक्ड है कहीं भी दिख रहा आपको इसका यूज हुआ इस HTTP हेडर का नहीं हुआ ना तो ये दोनों की कैश की सिमिलर हो जाएगी क्लियर है हाँ ये बात सही हो गई तो ये वाली अटैकर रिक्वेस्ट अगर यहाँ पे अगर सपोज करो कि उसने कुछ ऐसा कर दिया कि एक्स फॉरवर्डेड होस्ट कर दिया ठीक है होस्ट में अटैकर की वेबसाइट आ जाएगी क्या इविल वेबसाइट डॉट कॉम और उसने अपने इविल वेबसाइट डॉट कॉम पे होस्ट कर रखा होगा कोई चीज ठीक है होस्ट कर रखा होगा तो उससे तो अटैकर ये वाली अगर पॉइजन इसकी अगर कैश की सेव मतलब कैश रिस्पांस इसकी सेव हो गई तो नॉर्मल यूजर को तो इसकी वाली रिस्पांस मिलेगी जिसमें वो ऑटोमेटिक वो यूजर की जो रिक्वेस्ट होगी वो इविल वेबसाइट पे फॉरवर्ड होगी और इविल वेबसाइट पे समझ लो कुछ भी अगर मलिशियस चीज प्लांट किया गया जैसे
XSS के थ्रू आपकी यूजर की कुकी स्टील हो रही है, फॉर एग्जाम्पल लाइक दैट, और भी अगर ले ले तो SSRF के थ्रू या फिर CSRF के थ्रू पूरी की पूरी टोकन चुरा ली जाएगी, ऐसी चीजें अगर हो रही है तो क्या है वो वेब कैश पॉइजनिंग के थ्रू विक्टिम बन रहे हैं नॉर्मल यूजर उस वेबसाइट के, किसके थ्रू, एक अपन अनलिंक्ड कैश की वाला HTTP हेडर यूज कर रहे उसके थ्रू, क्लियर है ये चीज। अटैकर अटैकर इसकी कैश अगर देखो जनरल यूजर भी होम पेज विजिट करेगा, ठीक है, ये भी एक रिक्वेस्ट होम पेज की है, दोनों वेबसाइट की, ये एक ही वेबसाइट की दो रिक्वेस्ट, इसकी अगर कैश पॉइजनिंग पॉइजन हो जाए उस कैश सर्वर पे तो एक नॉर्मल बंदा आएगा उसे भी ये रिस्पांस मिलेगी, बात खत्म। इवेल वेबसाइट पे अगर XSS इंप्लीमेंट किया हुआ है तो यूजर की सारी कुकी स्टूल हो जाएगी, सेंसिटिव डेटा क्रीडेंशियल जो होता है जेपरडाइज हो जाएगा, ऐसी चीजें होने की चांसेस ज्यादा रहती है, ये क्लियर है। तो सर एक तरह से ये वो हो गया फिशिंग दिमाग के, जैसे अगर वो रिक्वेस्ट वो सम वेबसाइट की करेगा लेकिन वो रीडायरेक्ट हो जाएगा ईवल वेबसाइट। हाँ हाँ सर, अटैक कब तक रहता है? जब तक तुम्हारा URL लाइव रहेगा तब तक। देखो इसमें बेसिकली है ना, आपको कैश को पॉइजन रहने देना चाहिए। तो सर ये तो बहुत सारे यूजर पे फैल जाएगा। हाँ ये मास एक्सेसिस अटैक मैंने बताया इसके थ्रू हो सकता है, मतलब एक ही बार करना है ये तो सब में फैल जाएगा। हाँ हाँ तो बहुत क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। यस हेलो, कैश की आपको क्लियर हो गया कैसे कैश की अगर अनलिंक्ड पैरामीटर है जो भी कैश की में उसके हेल्प से क्या कर रहे हैं अपन। हेलो क्लियर हुआ आप लोगों को ये चीज, आगे पढ़ो कोई एक बंदा इसे। कैश की मैच टू द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रीवियस रिस्पांस दैन कैश की सर्व द अदर पार्ट्स ऑफ द रिक्वेस्ट कैश इग्नोर्ड बाय द सर्वर। मतलब समझे आप, एक्स फॉरवर्डेड URL या एक्स फॉरवर्डेड होस्ट जो है वो कैश की में नहीं है तो वो क्या करेगा, सर्वर उसे इग्नोर कर देगा और आपको प्रीवियस रिक्वेस्ट की रिस्पांस फेच कर देगा। तो सपोज करो प्रीवियस रिक्वेस्ट अटैकर वाली है, ठीक है, अटैकर वाली अगर प्रीवियस रिक्वेस्ट थी तो आपकी तो मतलब क्लियर है ये सारी चीजें, तो आपको क्या मिल जाएगी अटैकर की जो मलिशियस वाली रिस्पांस है। क्या बताया था सर आपने, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। क्या मैं डिस्कनेक्ट हो गया था इंटरनेट इश्यूज से। क्या मैंने क्या, आप कहां तक पढ़ रहे थे अभी? मैंने आप बता रहे थे रिडायरेक्शन गेट का दो वे बता रहे थे, फर्स्ट गेट बनाए थे यहां। हां तो इन दोनों में ये वाला चीज कैश की में लिंक्ड नहीं है, ये कैश की में नहीं है, क्लियर है, ठीक है। सपोज करो ईवेल वेबसाइट एक अटैकर की वेबसाइट है जिनविन, जिसके आगे अगर सपोज करो कुछ लगा हुआ है। हेलो यस सपोज करो उसकी वेबसाइट के आगे उस वेबसाइट पे है ना कुछ ऐसी चीजें /js/ tracking.js और tracking.js के अंदर में है alert document.cookie, ये बेसिक है। तो जितने यूजर है उनके वेबसाइट पे उनकी कुकी अलर्ट हो जाएगी और डेटा जैसे कुकी स्टीलिंग के लिए XSS के बहुत सारे मेथोडोलॉजी है, रियल वर्ल्ड अटैक में आ जाता है वो, अपन वो मेरा लेकिन अभी, सर ये जब वल्नरेबल होगा XSS जब भी काम करेगी ना। नहीं कैश पॉइजनिंग से वल्नरेबल होना चाहिए, ये अपनी वेबसाइट पे करा रहा है, ठीक है। आपको अच्छा, सिर्फ ये राइडायरेक्ट वल्नरेबल होगी, वल्नरेबल हो या ना हो आपकी वेबसाइट सिर्फ कैश पॉइजनिंग से वल्नरेबल होनी चाहिए। आप तो ऑटोमेटिक क्या कर रहे हो, रीडायरेक्ट उसकी वेबसाइट पे कर रहे हो, तो आपके वेबसाइट पे XSS होना ना होना बात बराबर हो जाएगी। क्लियर है अजमत आपको? यस क्लियर। आगे पढ़ते अपन, इफ द कैश की मैचेस द रिक्वेस्ट टू द प्रीवियस रिस्पांस देन कैश इज सर्व
इन विच द अदर पार्ट ऑफ द रिक्वेस्ट गेट इग्नोर्ड बाय द सर्वर। क्लियर है ये सारा पार्ट। अब देखते कैश पॉइजनिंग अटैक जो है उसको तीन स्टेप में कैसे देखते। फाइंड द अनकीड इनपुट, गेट अ मलिशियस रिस्पॉन्स फ्रॉम द बैक एंड सर्वर। मैंने आपको फिगर में दोनों चीज बता दिया। ये जो अनकीड इनपुट है, जैसे अनकीड इनपुट क्या रहेगा अपना, एक्स फॉरवर्डेड होस्ट, एक्स फॉरवर्डेड यूआरएल, एक्स होस्ट, ठीक है, ऐसी चीजें पहले अपने को ढूंढनी है। दूसरी क्या करने का अपने को, बैक एंड से रिस्पॉन्स फेच करना है। तीसरे में क्या करना है अपने को, गेट रिस्पॉन्स कैश्ड। अब अपन को पहले स्टेप में आता है कि अनकीड इनपुट कैसे ढूंढेंगे, तो ये आपको मैनुअली ढूंढना नियर टू इम्पॉसिबल बोल सकते हैं। इसके लिए अपन एक एक्सटेंशन का यूज कर रहे हैं, थैंक्स टू एल्बिनोवेक्स, एल्बिनोवेक्स आल्सो नोन एज जेम्स केटल। जेम्स केटल को जानते हो आप? नहीं। अरे पोर्ट स्वीगर के में जो कंटेंट जितने भी है वो एल्बिनोवेक्स जेम्स केटल, ठीक है, इनका बनाया हुआ। ही इज अ लीजेंड, ही इज एन एब्सोल्यूट बीस्ट। अल्बिनोवेक्स इनका नाम है, जेम्स केटल है असली में, जेम्स केटल ये बंदा, ही इज एन एब्सोल्यूट बीस्ट, मैं तो यही जानता हूँ। इन्होंने ये वाली टूल बनाई है, एक्टिव स्कैन भी शायद इन्हीं का बनाया हुआ है। तो अपन पहले बर्थ देख लेते। तो बर्थ पे एक्टिव स्कैन है सर? क्या बर्थ पे एक्टिव स्कैन है, उन्होंने बनाया क्या एक्टिव स्कैन? हाँ, सर इसमें जो हमें मिलती है छोटी मोटी वल्नरेबिलिटी एक्टिव स्कैन में, तो रिपोर्ट करें वैलिड होंगी? छोटी मोटी देखो, एक्टिव स्कैन आपको कोई प्रॉपर चीज की वल्नरेबिलिटी नहीं देता, उस पर आपको मैनुअल रिसर्च करना बनता है। बिना मैनुअल रिसर्च किए वो रिक्वेस्ट, आपको एक क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग मिल जाए उसमें टन्स ऑफ मैनुअल वर्क छुपी रहती है, आप नहीं कर सकते उसके हेल्प से कुछ। सर नहीं, जैसे क्रॉल करके बाद से बहुत सारी यूआरएल आए थे ना, उन सभी को सिलेक्ट करके जो स्कैन करते हैं, एक्टिव स्कैन कर दिया उसमें, फिर उस वल्नरेबिलिटी जो आपको इशू पेन में दिखेगी उस पे फिर आपको मैनुअल इफर्ट करना पड़ेगा, उस वल्नरेबिलिटी का इंपैक्ट दिखाना पड़ेगा, इंपैक्ट बढ़ाना पड़ेगा उसका, ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन आपको प्रॉपर करना पड़ेगा। आगे देखते हैं प्राम माइनर, विद द हेल्प ऑफ प्राम माइनर यू कैन फाइंड अनकीड पार्ट्स ऑफ द एचटीटीपी रिक्वेस्ट, ठीक है, जो कैश की में नहीं होंगे। एक चीज आप लोग और लिख लेना कि अपन अनकीड जो जो कैश की में, नोट लिख लेना यहाँ पे, नोट क्या लिखना आप कि हाउ टू फाइंड कैश्ड पार्ट ऑफ द एचटीटीपी, कैसे, यहां देख लो कैसे करेंगे। एक हेडर आता है एचटीटीपी आकामाई में प्राग्मा एक्स गेट कैश की, क्या होता है ये हेडर को आप एचटीटीपी रिक्वेस्ट में, यहां पे फॉर एग्जांपल यहां पे मैं उसी हेडर का यूज कर रहा हूं, ऐसे डाल दोगे प्राग्मा कैश की, ये हेडर में मैंने ऐसी ये लगा दिया हाईलाइट करने के लिए, आप ऐसे कर दो, ठीक है, ये करोगे तो आपको रिस्पांस में क्या सर्वर दिखाएगा कि कितने पार्ट यूआरएल के कैश के की में हैं, उससे भी आप अपनी मेथड को एक्सप्लॉइटेशन को एडवांस कर सकते हो। लिख लो ये सारी चीज, क्लियर है, ये वाली हेडर आपको देना पड़ेगा आकामाई वाली, अगर वेब सर्वर रही प्रोटेक्शन कैश सर्वर बोल सकते हैं, लोड बैलेंसर बोल सकते। चलो आगे देखते, व्हाट्स अ कैश बस्टर। कैश बस्टर क्या होता है, व्हाइल पेन टेस्टिंग दिस अटैक कैन अफेक्ट रियल यूजर्स विद योर पॉइजन्ड कैशेस, फॉर दैट वी यूज टू सर्व पॉइजन कैश। जैसे उसके लिए अपन क्या करते हैं, ये अटैक जो है ये रियल वर्ल्ड को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर सकता है, ठीक है, तो अपन नहीं चाहते कि कोई रियल, आपके पेन टेस्टिंग से कोई भी वेबसाइट नहीं चाहती है कि इस वाले
स्पेशली इस अटैक में वेबसाइट नहीं चाहती है कि आपकी किसी बेवकूफी से मेरे रियल यूजर्स या मेरे रियल एसेट्स पे नुकसान है। तो आपको एक पैरामीटर लेना पड़ेगा, सीबी इज इक्वल टू कुछ भी आप डाल दो, ऐसे कोई भी नंबर या कोई भी स्ट्रिंग। इससे क्या होगा, होम पेज पे ये वाला पार्ट भी कैश की में आ जाएगा। देखो पाथ या वैल्यू, की वैल्यू जो होता है वो क्या रहता है, कैश की में इंक्लूडेड रहता है। तो कोई बंदा नॉर्मली होम पेज रिक्वेस्ट करेगा, लेकिन कैश बस्टर की हेल्प से क्या होगा, आपकी रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होगी। इससे क्या होगा, कोई दूसरा रियल यूजर इस वैल्यू पे क्या आएगा, क्या बोलते हैं, हेलो 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 यस, ये पार्टिकुलर रिक्वेस्ट आपकी स्पेसिफिक हो गई ना। हेलो, चलो अपन समझ गए आज ये चीजें। आप एक दो लैब करेंगे आज, उसके बाद देखते। आप मुझे 5 मिनट टाइम दो, मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड। हेलो असमत भाई। हाँ हेलो। अरे नोट भेज देना, जो तुमने करे ना ये फोटो खींची है स्क्रीनशॉट, ईमेल पे भेज देना, मेरा फोन बंद हो। भेज देना याद से, मेल भेज रहा हूँ, चैट में भेज रहा हूँ। भेज दिया, आज हमें देख लेना, भेज दिया मैंने। अरे वो भी भेज दो, रिकॉर्डिंग के लिंक भी। हेलो, कुछ बोल रहे थे क्या आप लोग पहले? हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? यस सर। क्या कुछ बोल रहे थे आप लोग, अभी डिस्कस कर रहे थे क्या? नहीं सर। ओके, लैब होने जा रही थी, लैब बता रहे। क्या लैब बता रहे थे सर आप, लैब कराने जा रहे। ओके, ये चैट में क्या है, ये क्या है, ये मेल दिया सर। ओके कैश पॉइजनिंग कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बेसिकली कैसे काम करता है, क्या होता है कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया, कैसे रिक्वेस्ट होती है, कैसे अटैकर कोई अनकीड पैरामीटर यूज कर पार्ट ऑफ द रिक्वेस्ट पूरी की पूरी वेब सर्वर को
पॉइजन कर सकता है, मैसिव इंपैक्ट दे सकता है वेबसाइट पे एक्सेसेस के थ्रू, ये सारी चीजें आप लोगों ने कॉन्सेप्चुअली क्लियर हुआ कि नहीं, बस इतना बता दो आप। अपन पहले देखेंगे प्राम माइनर क्या होता है। तो एक्सटेंडर में अपने पास आने का, इधर पॉपुलैरिटी को जब मैक्सिमाइज करोगे कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो पॉपुलैरिटी में थर्ड नंबर पे आता है, जेम्स केटल ने बनाया है, इसे इंस्टॉल कर लो आप लोग अपने बर्थ में फर्स्ट। सर रेटिंग तो फुल है इसकी, फुल रेटिंग तो इसकी एक्टिव की और टर्बो इंट्रूडर की, ठीक है। टर्बो इंट्रूडर भी जल्दी इंस्टॉल कर लो आप लोग इसे। अरे ये मैं यूज करता था पहले, फ्लो एचटीटीपी हिस्ट्री टाइप का ये प्रोवाइड करता है, दिखाता हूँ बहुत टाइप के बाद यूज कर रहा हूँ इसे, ये देखो क्या करता है। अरे जैसे एचटीटीपी हिस्ट्री रहती है ना ये वाली, फ्लो में भी वही दिखती है वैसी। उसी टाइप की है, कर लिया। हेलो यस सर, फ्लो में क्या होता था पता है? हेलो हेलो यूज करना आप लोग। इसमें बेसिकली क्या होती है कि एचटीटीपी हिस्ट्री जो अपना होता है ना, इसमें जिस रिक्वेस्ट का रिस्पांस नहीं आया वो ऑटोमेटिकली फिल्टर्ड हो जाता है, लेकिन फ्लो में क्या होता है वो सारी चीजें वहीं प्रेजेंट रहती है, जब तक उसका रिस्पांस भी नहीं आएगा तब भी वो आपको दिखेगी, ठीक है। प्रॉक्सी के थ्रू आता है ये सारी चीजें। अपन देखते हैं कैश पॉइजनिंग कैसे करेंगे। फ्लो अभी यूज नहीं करता हूं, यहां जब आप इस पे प्राम माइनर पे रन करोगे तो एक्सटेंडर के अंदर एक्सटेंशन और आउटपुट में उसकी आपको स्कैन की रिजल्ट यहां दिखेगी और यहां इशू पेन में दिखेगी। अपन एक लैब देखते हैं इसका, इसमें अपने को सबसे देखो मैंने लैब का कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ा ना थ्योरी पढ़ी, इसमें अपन कुछ देख कर नहीं कर सकते, वरना आपको रियल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा अगर ऐसा बोल दे तो। अपन क्या करेंगे पहले कि इस रिक्वेस्ट को अपन प्रॉक्सी हिस्ट्री में देखेंगे होम पेज का। सर इसमें यस बोलो, खिचड़ी पक जाती है जैसे किसमें हिस्ट्री में, हाँ तो सारे यूआरएल सोच रहे हैं कौन सा यूआरएल आया अभी आया। तो जैसे इसमें से आप निगेटिव सर्च भी कर सकते हो, क्या डाल लोगे आप, फिल्टर बता दो कैसे कैसे यूज करने, यूट्यूब डाल दो ठीक है, अप्लाई कर दो यूट्यूब की सारी चली जाएगी निगेटिव सर्च, गूगल डाल दो आप इसमें जो हटाने, हाँ गूगल डाल दो आप, वो रिक्वेस्ट अब आपको नहीं दिखेगी ठीक है, गूगल नहीं दिखेगी, यूट्यूब कोड स्विगर। सर टाइम के हिसाब से पता करें जैसे अभी अभी रिस्पांस किया है जैसे अभी करा हमने क्लिक टाइम। अरे आप इस पे करोगे तो आपको खुद समझ में, या फिर दो ऑप्शन है, या तो निगेटिव कर दो आप, या तो आप यहाँ से शो स्कोप में लेकर कर दो ठीक है, शो ओनली पैरामीटराइज्ड ऐसे कर सकते हो आप, एचटीएमएल आप यहां से भी फिल्टर कर सकते हो क्या चाहिए आपको, जैसे अपने को सिर्फ ये तीनों चाहिए, एक्सएमएल नहीं चाहिए अपने को फॉर एग्जांपल, अदर टेक्स्ट नहीं, फ्लैश नहीं चाहिए, बस एचटीएमएल स्क्रिप्ट सीएसएस ठीक है, सीएसएस भी नहीं, बस ये लगा दो आप, कचरा अपने हट जाएगा यहाँ से। अपने को चाहिए होम पेज, होम पेज आएगी एचटीएमएल में, रिपीटर में डाला अपन ने, ये वाली रिक्वेस्ट है। देखो इसमें जो पहले देखने का अपने को
कि पहले आप प्रॉक्सी में आओगे, इस रिक्वेस्ट को एंगेजमेंट टूल पे जाओगे, ठीक है, एक्सटेंशंस पे, प्राम माइनर, गेस हेडर करेंगे अपन, गेस हेडर करेंगे, तो ये जो बैकग्राउंड में वो जो एक्सटेंशन रन कर रहा है, यहाँ आओगे, यहाँ आउटपुट में आओ, देखो अपडेटिंग एक्टिव थ्रेड पूल साइज टू 8 क्विड वन अटैक्स, इसे देख लेते हैं, ये खुद अभी ब्रूट फोर्स चालू करेगा, हिडन पैरामीटर, इसके पास लिस्ट होगी ना, इसके पास एक बर्प की खुद की सर्वर है, देखो इनिशिएटिंग हिडन ब्रूट फोर्स ऑन दिस डोमेन, ठीक है। हेलो, यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि जितने भी एचटीटीपी में ये हेडर डालकर देखेगा क्या वो हेडर अभी अनकीड है या कीड है, ठीक है, और कुछ ऐसे हिडन एचटीटीपी के हेडर पैरामीटर्स मिल जाएंगे, हाँ हिडन पैरामीटर्स इससे मिल जाएंगे आपको उस एचटीटीपी रिक्वेस्ट के, और अनलिंक्ड पैरामीटर भी मिल जाएंगे जो गैस की में लिंक्ड नहीं है, ठीक है, क्लियर है, देखते हैं अभी, ये लेता है कम से कम 1.5 से 2 मिनट, टारगेट भी तो बोल दिया ना, क्या देखो आइडेंटिफाइड पैरामीटर क्या है, एक्स फॉरवर्डेड होस्ट जो है ये अनकीड पैरामीटर अपन यहाँ डालेंगे, देखो ये एक्स कैश है और एज है, और मैक्स एज मतलब 30 सेकंड के लिए एक रिस्पांस कैश में रहेगी, उसके बाद हिट मतलब क्या है, आपको रिस्पांस कैश की तरफ से आ रहा है, कैश सर्वर की तरफ से, मिस मतलब आपको बैक एंड से रिस्पॉन्स आ रहा है, हिट मतलब कैश की तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, आपने कैश कर दिया इसे बार बार तो 30 सेकंड तक आपको कैश सर्वर से रिस्पॉन्स आएगा, अभी एज 9 हुआ है इसका, एज 14 हो गया है, 30 तक जाएगा, उसके बाद जब भी मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा मुझे मिस मतलब बैक एंड से आएगा रिस्पॉन्स, देखना अभी दोबारा भेजता हूँ, हिट मतलब ये कैश सर्वर से, ठीक है, देखो 24 हो गया ना, अपन वेट करते 30 के बाद मिस आएगा क्योंकि बैक एंड से, क्योंकि कैश सर्वर पे जो रिक्वेस्ट है वो एक्सपायर कर गई होगी, देखना एज 0 मिस हो गया, ये बैक एंड से आया फ्रेश रिक्वेस्ट, अब ये करोगे रिक्वेस्ट दोबारा भेजोगे आप एज 5 सेकंड में, ये कैश सर्वर से आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब अपन आते हैं अपना जो अनकीड हेडर मिला है एक्स फॉरवर्डेड होस्ट, हां सर इसे आपने यहां ऐड कर दिया तो पैरामीटर मिला हेडर, हां evil.com/tracking.js में आ गया, तो अब सर्वर को अपनी एक, अब देखो अब सर्वर कैसे एक्सेसेस करा सकता है, देखो ये पूरा का पूरा वेबसाइट एक्सेसेस प्रोटेक्टेड मैसिव डिफेंस, ठीक है, यहाँ पे आएगा ये अटैकर का सर्वर है, ठीक है, अटैकर क्या करेगा अपने सर्वर का पहले डोमेन जो है कॉपी किया उसने और डोमेन यहाँ डाल दिया उसने, कहाँ डाल दिया, यहाँ अटैकर, देखना देखो यहाँ एक्सप्लॉइट से आ रही है, ये डायनेमिकली ये डेटा मंगा रहा है, जैसे मैंने आपको क्या बताया था SSRF में जब URLs डायनेमिकली डेटा मंगाते हैं तो नुकसान सर्वर का हो सकता है, देखो डायनेमिकली अपन ने ऐड कर दिया, अब इसको चाहिए ये वाला पार्ट, ये वाला रिस्पॉन्स, तो अपने सर्वर पे जो अटैक डिजाइन करेंगे अपन, तो यहाँ पे जो फाइल का पाथ देंगे वो ये देंगे और अलर्ट डाल देंगे, पेलोड डाल देंगे document.cookie, ठीक है, इसे स्टोर करेंगे अपन, ये स्टोर हो गया हाँ। अब क्या होगा XSS vulnerable जो JS फाइल है tracking.js नाम की, अब देखो कैश पॉइजन करना शुरू करते हैं अपन, जो दूसरा यूजर विजिट करेगा उसको document.cookie दिखेगी, अपन समझ जाएंगे कि कैश पॉइजन हो गया, देखते हैं अपन, सर दूसरा यूजर तो होगा नहीं इसमें क्योंकि तो लेयर है, इसमें एक यूजर पहले से दिया हुआ है क्रोम ब्राउजर से वो विजिट करता है, हाँ सर अगर हम नॉर्मल करेंगे तो जल्दी से रिस्पॉन्स मिल जाएगा ना, तो देखते हैं 27 हुआ 30 होने दो इसे, एक बार मिस करेगा दोबारा पॉइजन करते हैं, अब हो जाना चाहिए पॉप अप आना चाहिए, देखो हो गया, इसको अपन लैब सॉल्व इस रिक्वेस्ट को अपन यहाँ डालकर देखते हैं पॉप अप कैश में आ गया लेकिन लैब सॉल्व हो गई,
एक दूसरा यूजर जो होगा, ठीक है, देखते अपन एक यूजर आता है इसमें अलग से, एक्सेस लॉग में जाके देखोगे तो एक यूजर आता है क्रोमियम ब्राउजर से, अपना देखो मोजिला है ना, क्रोम ब्राउजर से एक यूजर आता है, देखो विंडोज मशीन, ठीक है, वो भी इसी वेबसाइट को एक्सेस, देखो आईपी, आईपी मिला लो, आईपी चेंज हो रही, अपनी आईपी ये है, एक यूजर विजिट कर रहा है 1 मिनट के अंदर। तो ये उन्होंने ऐसी बनाया है कि कैश पॉइजनिंग में एक यूजर का जरूरत पड़ता है, ठीक है, क्लियर है ये सारी चीजें सर। एक तरह से ये जो ये अटैक है कैश पॉइजनिंग, हाँ, इंपैक्ट जो होगा एक्सेस का होगा, इंपैक्ट बहुत इंपैक्ट हाई हो सकता है, आप पूरे के पूरे यूजर को जेपरडाइज कर रहे हो, पूरा का पूरा यूजर। एक तरह से हमें सबसे पहले हिडन पैरामीटर ढूंढने, हाँ, अगर मिल गया अभी अपने से लैब करोगे या फिर मैं अभी बताऊं और क्या ऐसे कर लेंगे, ये तो करना इस पे मेहनत करना आप। कितनी लैब है सर इसकी? हाँ, लैब कितनी है इसकी? 13 लैब है। इस पे मेहनत करना आप, ठीक है। और कोई डाउट आप लोगों को? कैश पॉइजनिंग समझ में आ रही है? क्या क्या अटैक कर सकते हैं जैसे एक्सेस के अलावा? आप इसमें सिर्फ एक्सेसेज ही सबसे पावरफुल है, क्योंकि अपन क्लाइंट को ना रिस्पॉन्स सर्व कर रहे हैं, तो बेसिकली आप कैश सकते हैं ना सर थोड़ी देर के। हाँ हाँ हाँ, देखो इसमें ऐसे दिमाग से सोचो आप कि यहाँ पे एक अटैकर अपने मर्जी का रिस्पॉन्स एक विक्टिम यूजर को सर्व कर रहा है, तो चाहे जैसा रिस्पॉन्स दे, वो भी ऑटोमेटिक होगा, किसी भी ऑटोमेटिक ले आएगा। हाँ, हाँ, ना कुछ सेंड ईमेल भी नहीं भेजना, कुछ नहीं। हाँ, जैसे सर हम नॉर्मल करते हैं कि अपना एक लिंक भेजते हैं वेबसाइट का एक्सेस वाली, वो बंदा खोलता है जब आते हैं, हम खोले ना खोले, इसमें क्या होगा ऑटोमेटिक होगा जी। तो कॉन्सेप्ट अपनी क्लियर हुई? यस सर। क्लास ओवर करें फिर, ठीक है। और कोई डाउट? कल होगी सर क्लास? हाँ, क्यों नहीं होगी। कोई डाउट आप लोगों को? सर इसमें इतना ही है ना बस, कैश पॉइजनिंग में अभी बहुत सारी चीजें मैं एक दिन आपको देता हूँ समझने के लिए, और वो कैश पॉइजनिंग वाली मैंने आपको चैट में डाल दे रहा हूँ, क्योंकि ये लैब थोड़ी थोड़ी कर समझो, क्योंकि एक बार में फिर समझ में, वो जो प्रोसेस आप कर रहे हो ना प्राम माइनस से करना, उसमें ही आप देखना फंसते चले जाओगे, इसलिए मैंने एक दिन का टाइम दिया है। और सर वो जो बार बार आप सेंड कर रहे थे वो भी बार बार करना पड़ेगा? हाँ, बार बार, कैश एक बार में पॉइजन नहीं होती है, तो कम से कम पहली लैब को आप अच्छे से कर लो, ठीक है। असमत भाई उसमें आए नहीं वो? मैंने सेंड कर दिया, ईमेल चेक कर लो एक बार। दो आपको मिल गई, कैश पॉइजनिंग वाली मिल गई आपको? मैंने मेल कर दिया, चेक कर लो। हेलो हेलो सर, आपने अजमत को भेज दिए ना सारे? अरे मैंने चैट में आपको कैश पॉइजनिंग वाली भेज दी अभी, ठीक है। और राघव आपको कोई डाउट? लैब समझ में आई? यस सर। कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट तो पूछ सकते हो, दोबारा मैं रिपीट कर दूंगा, थ्योरी आप जितना पूछ लो, क्योंकि आपको खुद मेहनत करना है इसमें, क्या बोलते हो? इस पे प्रैक्टिस करना, आज बच्चे भी कम आए हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग में आज वेबसाइट होगी, अगर रियल लाइफ में देखें तो मेन वेबसाइट होगी, उस पे स्कैन करें या फिर सब डोमेन पे? अरे बेसिकली इसमें होता क्या है कि यहाँ वेबसाइट में आपको प्रॉब्लम इस चीज की नहीं होगी, प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी अलग अलग यूज होगी, कैश सर्वर अलग अलग यूज होगा, तो आपकी मेथड, आपकी मेहनत सबसे ज्यादा उस सर्वर को समझने में जाएगी, ना कि इसे एक्सप्लॉइट करने में। टेक्नोलॉजी अलग, सर्वर अलग, सर्वर कैश सर्वर के काम करने का तरीका पूरा अलग रहेगा, एक में अलग होगा दूसरे में अलग होगा। सिंपल थी ये, तो हो गई, ये हो गई इसमें, और अरे इस चीज को आप पढ़ना, कॉपी पेस्ट नहीं, इसे समझना कि कैश सर्वर कैसे काम कर रहा है, अपनी रिक्वेस्ट कैसे रिस्पांस के पास गई, ठीक है। चाहो तो मैं दूसरी लैब करा दूं, लेकिन मैं चाहता हूं आप लोग इस पे अभी अपनी मेहनत करो, इस चैप्टर में आपका इंटरेस्ट जरूरी है, अगर इंटरेस्ट नहीं हुआ तो बेकार हो जाएगी, ठीक है। हेलो हेलो, कॉन्सेप्चुअल कोई डाउट आप लोगों को? इसे पढ़ कर आना अच्छे से, ठीक है। क्लास ओवर करें आज, इसकी मैं रिकॉर्डिंग आज दे दूंगा 12-1 बजे तक, क्लियर है? ठीक है सर, ठीक है, बाय एवरीवन, बाय।